5 अगस्त को आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन के क्रम में 6 अगस्त को जनपद के सभी विकास खंडों में पात्र एवं वंचित व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, विधवा पेंशन योजना के तहत कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 6 अगस्त को सभी विकास खंड कार्यालय में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक कैंप लगाया जाएगा, जिसमें उपस्थित होकर पात्र व्यक्ति योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रत्येक विकास खंड पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा, कल से हम लोग एक कैंप शुरू कर रहे हैं हर ब्लॉक पे, खंड विकास, जो हमारा विकास का खंड है उस पे हम लोग वृद्धा पेंशन को लेकर और जो हमारे ये एक निराश्रित जो राशित पेंशन है और दिव्यांग पेंशन है और जो सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसकी किसी भी तरह की अगर मान लो किसी को नया पेंशन बनवानी है तो उसके लिए वो ब्लॉक पे आके हमारे जो समाज कल्याण विभाग के हैं उनके अधिकारी वहाँ रहेंगे और वो वहीं पर उसको अप्लाई कराएंगे। और अगर किसी की कोई पेंशन रुकी हुई है या किसी कारणवश रुक गई है तो ऐसी समस्याओं को भी वहाँ पे हल करें। अगर किसी की मान लो डेथ हो गई है, मतलब कोई महिला विधवा हो गई है, तो विधवा पेंशन के लिए भी कोरोना काल में अगर हो गई है तो वहाँ पे आएंगे और वहाँ पे आके अपना अप्लाई करेंगे और उसको प्रोसेस किया जाएगा। तो वन स्टॉप सोल्यूशन देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और पूरा अभी एक ट्रेनिंग भी दी गई है, एक इनके साथ मीटिंग भी की गई है और उसको देखते हुए अभी हम लोग इसको कल से करेंगे, कल का करेंगे और अगले हफ्ते से कंटिन्यू रखेंगे, एक हफ्ते के लिए और कंटिन्यू रखेंगे। क्या टाइमिंग रहेगा सर? हाँ, इसका टाइमिंग जो रहेगा सुबह 10 से 4 बजे तक रहेगा। और इसमें एक और चीज़ की गई है कि हम लोग इसको ज़िले से मॉनिटर भी करेंगे, फीडबैक भी देंगे। थैंक यू।